जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेवाई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे औसत, और औसत के सवाल बिल्कुल अलग अलग तरीके के रहेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यानी कि बिल्कुल छोटे सवाल, और बिल्कुल उनको देखने के बाद आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं इतने छोटे छोटे सवालों को, और बिल्कुल उनको ट्रिक पे जो भी सवाल होंगे, जैसे मान के चलिए कम से कम 2 से 3 सेकेंड, मात्र 2 से 3 सेकेंड के अंदर अंदर सभी सवालों को हल करेंगे और उसका उत्तर हम निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको फार्मूला बताया है। देखिए, इसमें फार्मूला होता है, पहला तो ये होता है कि जितनी संख्याएं हमारी हैं कुल टोटल संख्याओं का, देखिए इसका होता है औसत, औसत औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए ये फार्मूला हमारा आता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। चाहे तो हम इस फार्मूले पे भी पूरा का पूरा सवाल अपना हल कर सकते हैं, पूरा पूरा चैप्टर हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस पे हल करने में प्रॉब्लम आती है कि सवाल जब छोटे होते हैं तो आप आसानी से इस पे फार्मूले पे हल कर लेंगे, लेकिन सवाल में जब बड़ा बड़ा लिखा होता है तो कितना फार्मूला लगाएंगे तो दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम और भी एक फार्मूला होता है उसको देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया। इसके बाद दो फार्मूले और हम आपको बताएंगे जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको काम करेंगे। जैसे हमें कुछ पूछ देता है, कोई भी संख्या ले लिया, आइए देखते हैं, और पूछ दिया कि प्रथम प्रथम 5 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का देखिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत देखिए इस तरह से अगर दे दिया कि प्रथम 5 संख्याओं का, ठीक है, प्रथम 5 संख्याएं, ये नहीं कहा है कि कौन सी, सम संख्या की विषम संख्या इसका नाम नहीं लिया है। तो प्रथम 5 संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, प्रथम 5 संख्याओं में सबसे पहले हमारा 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और 5, यही तो हमारी प्रथम 5 संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, पहले अगर इसमें लिखा होता कि प्रथम सम संख्याएं या प्रथम 5 विषम संख्याएं, ठीक है, तो हम अलग होता, लेकिन कुछ नहीं लिखा है प्रथम 5 संख्याएं, यानी मान के चलिए प्रथम हमने 5 क्रमिक संख्या मान लीजिए, प्रथम 5 यहाँ पे मान लेते हैं हम क्रमिक संख्या, ठीक है, क्रमिक यानी कि एक क्रम से आने वाली, प्रथम 5 क्रमिक संख्याएं यानी कि एक क्रम से आने वाली संख्याएं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो हमारा पहला नियम जो है वो हमारा ये है कि कुल पदों का योग बटा कुल संख्या, कुल पदों का योग, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये करेंगे अब बटा में इसके हम कर देंगे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी, 1 से 5 तक, तो क्या होगा, देखिए इस पूरे को जोड़ेंगे तो इसका होता है 15, और 15 में जब 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 टाइम 15, यानी एवरेज हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, एवरेज कितना आया, 3 आ गया, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इतना करने के बाद तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन हम इसको आपको दूसरा मेथड बताते हैं, अभी बिल्कुल यही पे कर लेंगे एक नजर में। देखिए क्या है, अगर इस तरह से कहीं मिल गया तो क्या करेंगे, 2 आगे से और 2 संख्याएं पीछे से, 2 संख्याएं आगे से 2 संख्याएं पीछे से, अगर हम पीछे से 3 संख्याएं हटाएंगे तो आगे से भी 3 संख्याएं, जितनी संख्याएं आगे से उतनी संख्याएं पीछे से हटाते हैं, 2 संख्याएं आगे से 2 संख्याएं पीछे से हमने छोड़ दिया, क्या बचा बीच में हमारा 3, यही 3 हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, यही ना निकला है, ये 3 हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया।
अगला इसमें फार्मूला हम दूसरा, ये तो हमारा दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इसी फार्मूले पे आपको एक और मेथड बता देते हैं, लगे यार तीसरा मेथड देखिए क्या होता है। देखिए वो चीज है कि पहला पद और अंतिम पद, पहला पद धन अंतिम पद, देखिए पहला पद धन अंतिम पद, अब दोनों उसका बटा दो, पहला पद और अंतिम पद, मान के चलिए अगर संख्याएं अभी छोटी हैं, अगर दे देता बड़ी बड़ी संख्या, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं वहां पे इसका हम प्रयोग करेंगे। आपको बड़ी संख्या वाला भी अभी हम बता रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं, इसके बाद से देखिए। तो ये हो गया कि पहला पद धन अंतिम पद बटा दो, तो पहला पद इसमें हमारा क्या हो गया एक हो गया, अंतिम पद क्या हो गया पांच हो गया, अब बटा दो तो पांच एक कितना हो गया छह बटा दो, काट दिए तीन, क्या हमारा एवरेज तीन नहीं आया, आ गया ना। इसी को हम अभी, ये तो छोट संख्या है तो हम कर लेंगे, लेकिन जब बड़ी दे देता, जैसे लिख देता कि एक दो तीन चार पांच डॉट 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 पचास तक, ठीक, तो क्या हम एक से लेकर पचास तक की संख्याओं को जोड़ते तब तक कितना टाइम हो जाता, तो हम क्या करेंगे पहले एक पचास इक्यावन करके उसका बटा दो कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। अब देखिए ये तो हमारा क्रमिक संख्या हो गया, इसी में हम देखिए अपना दूसरा एक सवाल और बना देते हैं। देखिए अगर इस तरह से हमें पूछ दिया कि बताइए प्रथम पांच सम संख्याओं का, सम संख्याओं का, ठीक है, औसत, देखिए प्रथम पांच सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कह दिया कि प्रथम पांच सम संख्याएं, प्रथम पांच सम संख्याएं, तो सबसे पहले हमारी पहली सम संख्या क्या होगी दो होगी, उसके बाद सम संख्या दूसरी क्या होगी तीन चार होगी, उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी हमारी क्या होगी चार, के बाद क्या आएगा छ आएगा, छ के बाद क्या आएगा आठ आएगा, आठ के बाद क्या आएगा दस आएगा। देखिए एक दो तीन चार पांच, ये हमारी पांचों क्या हो गई सम संख्याएं हो गई, ठीक। कहा है कि प्रथम प्रथम यानी पहले शुरू से आने वाली पांच सम संख्याएं, तो पहली हमारी सम संख्या दो, दूसरी चार, तीसरी छ, चौथी आठ और पांचवी हो गई दस। अब इसका योग करना है तो देखिए इसका योग हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका कुल पदों का योग करके बटा कुल पदों की संख्या, ठीक है, और इसको हम टाइम बचाना है तो जल्द से जल्द दो पीछे से छोड़िए दो आगे से छोड़िए, एवरेज हमारा कितना आ गया छ आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए तो एक त्रिक हमारा आ गया, दूसरा फार्मूला हम कहे हैं कि अंतिम पद और पहला पद जोड़ लीजिए दो की भाग दे दीजिए, दस और दो कितना हो गया बारह, में दो की भाग दे दीजिए दो छक्का बारह, क्या हमारा छह नहीं आ गया, जो इसमें आया वही इसमें आ गया, इस प्रकार से हमारा इसका हो गया ये हो गया, इसका एवरेज क्या हो गया छ हो गया। और यदि यही पे हमें पूछ देता, ठीक है, कि प्रथम पांच, ये तो सम संख्या थी, अगर हमें पूछ देता कि प्रथम पांच विषम संख्याओं का, देखिए ये तो सम था, अब मान लीजिए विषम संख्या का ही पूछ दिया, तो विषम संख्या में भी कुछ नहीं वही फार्मूला, देखिए एक तीन पांच सात नौ ग्यारह, यही तो हमारी हुई एक दो तीन चार पांच, सॉरी पांच ही तक पूछा है ना, एक दो तीन चार पांच संख्या, ठीक, आगे से दो पीछे से दो पांचवा हमारा क्या हो गया एवरेज खत्म एक नजर में, ठीक है। इस तरह से हम सवाल बिल्कुल लगा दे लेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल लेकर ये देखा जाए, हर एक सवाल आपको अलग अलग मिलेगा और सारे सवाल बिल्कुल जोरदार और मजेदार होंगे, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइए, बिल्कुल आप देखते रहिए। अगर हमें कह दिया कि 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं कह देता है अगर हमें सवाल में कि 10 से नीचे की सम संख्याएं, तो 10 से नीचे की सम संख्याएं देखिए अब वो जो भी होंगी सबको लिखना है कि 10 से नीचे कौन कौन सी आएगी, 10 से नीचे सम संख्या पहली दो आएगी, दो के बाद आएगा चार आएगा, चार के बाद आएगा छ आएगा, छ के बाद आठ आएगा, और आठ के बाद क्या आएगा दस आएगा ना, तो क्या दस दस से नीचे है, दस के बराबर में नहीं जाना है, दस से नीचे ही रहना है,
यानी कि 10 तक भी नहीं पहुंचना है 10 से पहले। तो देखिए अब तक तो हमारा आता था अगर दो संख्या पांच संख्या आती थी तो हम दो पीछे से दो आगे से छोड़ के बीच वाला जो बचता था वो तो एवरेज निकाल देते थे। और अब तो अब की बार हमारा ट्रिक कैसे काम करेगा, अब तो मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार संख्याएं मिली, अब हम अगर दो आगे से और दो को पीछे से छोड़ दें तब तो बीच में हमें कुछ नहीं बचा, मामला गोल हो गया। लेकिन नहीं, फिर भी हमारा ट्रिक यहाँ पे ये काम करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। अगर दो हमने आगे से छोड़ा और दो को पीछे से छोड़ दिया, बीच में क्या बचा ये बताइए। चार और छह के बीच में कोई तो संख्या रही होगी, वो संख्या कौन सी आएगी? चार और छह के बीच में पांच आएगा, पांच हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। कैसे हो गया ये तो हो गया, हम दूसरा फॉर्मूले से भी आपको दिखाते हैं। देखिए पहला पद और अंतिम पद, पहला पद क्या है हमारा दो है और अंतिम पद क्या है आठ है। ये तो हमारा पांच एवरेज हमने निकाल दिया। अब हम दूसरे फॉर्मूले से आपको बताते हैं कि कैसी आया। अगर आपको नहीं आया दूसरा भी देख लीजिए, हम एक एक दो दो तीन तीन सभी को जोड़ के भी कर सकते हैं। अब अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तीन तीन चार चार मेथड आपके पास है तो सवाल का भाप आ जाए वो भी हल होगा। ठीक है, देखिए अब क्या कहा है, चार और आठ और दो, आठ और दो कितना हो गया दस। हमने कहा कि पहला पद और अंतिम पद जोड़ के दो की भाग कर देते हैं, दो पचे दस, क्या पांच नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया, ऐसे सवालों को देखते ही मार दीजिए छू मंतर से एकदम, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारा अगला सवाल जो है उसकी तरफ, देखिए वो कैसा है और बहुत ही जोरदार और मजेदार सवाल है। आइए देखते हैं क्या सवाल है। दो तीन छ का, दो तीन छ का, दो तीन छ का औसत औसत ज्ञात करने के लिए योगफल, बस सवाल को लिखने में टाइम लगेगा, योगफल में कितना से भाग करें, कितना से भाग। इसको तो बिना पेन उठाए कर दीजिएगा, पेन या कॉपी कागज की जरूरत तो नहीं है। कहा है कि कितना से भाग करना है तो साफ साफ लिख रहा है एक दो तीन संख्या है। अब जब तीन संख्या है तो हम तीनों से भाग करेंगे ना, हाँ औसत निकालने के लिए। ये तो कहा नहीं है कि हमका इसका योगफल निकालिए उसके बाद भाग करिए। ठीक है, अगर योगफल निकालने के लिए भी कह देता तो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और योगफल इसका निकाल भी लेते हैं, लेकिन ये हमसे केवल पूछा है कि इसके योगफल में कितना से भाग करें, तो कितना से भाग करेंगे, तीन से भाग करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्या होता है इसका। कहा है कि ये संख्याएं जो है बस इसका औसत कितना है और इसमें क्या करना था, हमें कितने से भाग करना था, तीन से। अगला सवाल क्या हमारा है देखते हैं, इसके आगे हम इसको देखेंगे। क्या कहा है, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग और सात का वर्ग। तो ये हो गया, और इसी का हमें कहा है औसत ज्ञात करने के लिए। तो एक का वर्ग एक होगा, दो का वर्ग क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए अगर हम दो गुणे दो किए तो दो दुना क्या हो गया, चार हो गया। तीन कह रहा है तो तीन गुणे तीन करेंगे तो तीन तरीका क्या हो गया, नौ हो गया। चार है तो चार गुणे चार यानी चार चौका क्या होगा, सोलह होगा। पांच है तो पांच पचे पच्चीस हो जाएगा। छह है तो छह के छत्तीस और सात है तो सात सत्ते उनचास, ये हमारा हो गया। अब इसका औसत ज्ञात करना है तो देखिए हम अपना फार्मूला तब लगा देते हैं अभी कि दो आगे से छोड़िए दो पीछे से छोड़िए और हो जाता। लेकिन एक चीज उसमें ध्यान देना है कि उसमें संख्याएं क्रमिक होनी चाहिए,
मतलब कि संख्याओं का अंतर जो आई आता है ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए। जैसे अगर चार एक से कितना अधिक है, तीन अधिक है, ठीक है, और चार और नौ में कितने का अंतर है, पांच का अंतर है, तो क्या ये डिफरेंट समान आ रहा है? नहीं ना। तो जब डिफरेंट समान नहीं आ रहा है तो हम उस फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका जब क्रमिक में होता है और अंतर समान आता है तो करते हैं। आइए इसको देखते हैं, इसको हम सभी को क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, अपने पहले वाले फार्मूले के हिसाब से इसको क्या कर ले रहे हैं, सभी को जोड़ दे रहे हैं। तो इन सभी संख्याओं को आइए जोड़ते हैं, तो इन पूरे टोटल संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने इसको अभी जोड़ा है और आप भी इसको क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिएगा, 140 और टोटल संख्याएं कितनी हो रही है, चलिए आपको जोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए 9 6 15 15 5 20 20 6 26 26 4 30 30 और एक जीरो 9 आई और उठे आई 10 40 40 को जीरो हाथ में लगा कितना, 4, यानी हासिल 4 हो गया। 4 3 7 7 2 9 9 1 10 10 और 4 14, ठीक है, आपको इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, 140। अब देखिए संख्याएं कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्याएं हो रही है, 7, 7 से भाग दी, 7 कम 7, 7 दुना के 14, यानी कि एवरेज हमारा कितना आ गया, 20 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं, सबका वर्ग निकाल लेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे, बटा कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि तीन, तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत कितना होगा, देखिए तीन है और तीन के प्रथम पांच गुणज का है, तो गुणज यानी तीन का गुणा, यानी तीन का पहाड़ा पढ़ते जाइए और कब है, पांच में, तो वो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी उनको पूछा है। तो एक तो तीन हो जाएगा, तीन एक कम तीन, दूसरा होगा तीन दूना छह, तीन तरीका नौ, तीन चौको 12 और तीन पचे 15, ठीक है, कहा है कि पांच गुणज, तो उसके पांच गुणज हो गए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये पांच गुणज हो गए और इन्हीं का औसत पूछ रहा है, तो हम औसत को सबको जोड़ के, सबको जोड़ के पांच से भाग कर देंगे तब भी आ जाएगा। और यदि देखिए अंतर समान है, तीन से तीन का, तीन और छह में अंतर तीन का है, छह नौ में अंतर तीन का है, नौ और बारह में अंतर तीन का है, बारह और पंद्रह में अंतर तीन का है, जब अंतर समान है सब में अंतर तीन का है, जब अंतर समान है तो हम चाहेंगे तो दो आगे से और दो पीछे से छोड़ दिए, बीच का जो बचा वही हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया, यानी कि औसत हो गया। और नहीं तो आप पंद्रह तीन क्या कर लीजिए, 18, 18 में दो की भाग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा पद को जोड़ के तभी हमारा एवरेज 9 आ गया, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, हट करना है, ठीक है, लगातार कोई 11 संख्याएं हैं और उनका असर ज्ञात करना है। देखिए क्या है, लगातार 11 विषम संख्याओं का, इसमें सम संख्या नहीं आनी चाहिए, विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो जाइए देखते हैं लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी थी। तो लगातार विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या एक, और एक के बाद आएगा हमारा तीन, तीन के बाद आएगा पांच, पांच के बाद आएगा सात, सात के बाद आएगा नौ, नौ के बाद आएगा ग्यारह, ग्यारह के बाद आएगा तेरह, तेरह के बाद आएगा पंद्रह, पंद्रह के बाद आएगा सत्रह, सत्रह के बाद आएगा
सॉरी 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 21, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये हमारा हो जाएगा, और 21 के बाद आएगा 23, तो हमें 11 तक ही देखना है। तो देखते हैं हमारा 11 संख्याएं हुई कि नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमें 23 की जरूरत ही नहीं है। 21 तक हमारी 11 संख्याएं हो गई। अगर आपकी इच्छा है तो 11 में, अरे देखिए 21 में 19 जोड़िए, 19 फिर उसके बाद 17 जोड़िए, उसके बाद 15, 13, 11, 9, 4, 6, मतलब सबको एक एक करके जोड़िए। लेकिन आपको कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक चीज करते हैं, 11 संख्याएं हैं, ठीक है ना। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आगे से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 पीछे से, 5 आगे से या 5 पीछे से छोड़ दिए तो बचा कितना, 10 संख्याएं हो गई, बचा हमारा क्या 11। यही 11 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। दूसरी विधि, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। प्रथम संख्या हमारी क्या है, 1 है, अंतिम संख्या क्या है, 21 है, और बटा 2 कर दीजिए, 21 क्या हो गया 22, बटा 2, 2 करने 2, 11 दूना 22, क्या 11 बार में नहीं कट गया, क्या संख्या में आ नहीं गया हमारा 11। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप आते हैं अपने अगले सवाल पे, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला सवाल हमारा है, अगर कह रहा है कि 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखिए कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उनका औसत ज्ञात करिए, ठीक है। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, न सम संख्या, न विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या वो होती है जो बिल्कुल सभी उसमें आ जाएंगी, 1 से शुरू होगी और 10 तक की पूरी संख्याएं आ जाएंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए ये हो गया। तो क्या ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम सभी संख्याओं को या तो एक जितना है जोड़ लें उसके बाद करेंगे, नहीं तो क्या है कि 10 संख्याएं है ना, कितनी है 10, तो आगे से हमने 5 हटा दिया और 5 को पीछे से हटा दिया, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हुआ कि 5 इधर से निकल गया, 5 इधर से निकल गया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो अब एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, मामला गड़बड़ है। लेकिन नहीं, आइए देखिए, जब ये 5 है और ये क्या है 6 है, 5 और 6 के बीच में जो बच रहा है वही हमारा क्या होगा, औसत, यानी कि एवरेज क्या होगा, 5 और 6 से पहले जो बचेगा वही तो हमारा होगा। तो 5 और 6 के बीच में क्या होगा 5.5, यानी 5.5, यही हमारा क्या होगा, इसका एवरेज होगा, यानी कि आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इस पूरी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, पूरी संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। कैसे आएगा, अगर हम इन टोटल संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 55, कितना होगा 55, और संख्याओं की संख्या कितनी है 10, जब 55 में हम 10 से भाग देंगे 10^1 अंक पे नहीं लगा जाएगा, अरे 10 से 50 आ गया कि नहीं आ गया, 5.5, ये हो गया। और दूसरा तरीका हमारा पहला और अंतिम, तो पहला पद आधार अंतिम पद, तो पहला पद 1 और अंतिम पद 10, बटे में 2, तो 10 है 11, 11 बटे 2 कर दीजिए, तो का नहीं आएगा 5.5, का नहीं आएगा, देखिए दूसरे भाग देंगे 11 में
दो बच्चे दस बच गया, एक भाग जाएगी नहीं जाएगी, दसमा लगेगा, जीरो बढ़ेगा, पांच होगा और दो बच्चे दस, तो क्या हमारा पांच दसमलव पांच नहीं आ गया, तीनों मेथड से हमारा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और यदि हमें इसमें आपको कोई, देखिए ये वाला जो हम आपको पहला मेथड बताए हैं ये भी बड़ा आसान है और दिलचस्प है। देखिए क्या कहा है कि पांच संख्याएं हमने आगे से निकाल दिया और पांच को पीछे से, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, लेकिन पांच और छह के बीच का ही तो हमारा एवरेज होगा, जो एवरेज होगा पांच और छह के बीच में, तो पांच से अधिक और छह से कम, पांच से अधिक और छह से कम, तो आ कह रहा है साढ़े पांच, ये आ रहा है बिना पेन कलम उठाए हल हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूले, ताकि वीडियो में जब भी हम नई वीडियो चैनल पर डालें आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।